ये क्वेश्चन है जेई मेन 2003। कह रहा है इफ जे एंड ओमेगा आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ जेड ओमेगा इज इक्वल टू 1 एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 2 देन जेड कंजुगेट ओमेगा इज इक्वल टू। देखिए ऐसा क्वेश्चन कई बार हमने सॉल्व किया है और सेम ही कॉन्सेप्ट यूज किया है। आर्गुमेंट ऑफ जेड सॉरी मॉड ऑफ जेड इंटू मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट 1 है और इनके बीच का एंगल कह रहा है पाई बाय 2। तो आप देखिए जेड हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज कम्पेयर टू ओमेगा मानेंगे। हम मान लिया जेड को आई मान लिया, इसका मैग्नीट्यूड 1 और ओमेगा का 1 मान लिया, इसका मैग्नीट्यूड 1। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा इनके बीच का आप एंगल देख लो 90 डिग्री है, ये आपने जेड माना ये ओमेगा माना क्योंकि जेड का एंगल बड़ा है एज कम्पेयर टू ओमेगा। तो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने जेड को ओमेगा से 90 डिग्री पे माना है। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या जेड कॉन्जुगेट ओमेगा क्या होगा। तो जेड कॉन्जुगेट आपका जानते हो कि आपका रियल एक्सिस में इमेज हो जाता है तो ये माइनस आई हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जेड कॉन्जुगेट तो माइनस आई और ओमेगा कितना है 1 है इज इक्वल टू माइनस आई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। तो इस कदर इसे आसानी से सॉल्व करना था, बुक में थोड़ा लंबा मेथड किया है। जब आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तो फिर क्या करना है लंबे मेथड का, ठीक है।